गुड मॉर्निंग क्लास फोर्थ हाउ आर यू आई होप आल आर गुड टुडे आई विल टीच यू अबाउट एल सी एम ओके टूडे वी विल डिस्कस अबाउट एल सी एम एल सी एम एल सी एम मीन्स लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल्स लोवेस्ट सी से कॉमन एम सी मल्टीपल्स इसके पिछले टर्न पे हमने पढ़ा था एस सी एफ़ हाइस्ट कॉमन फैक्टर ओके फैक्टर और मल्टीपल्स आप पढ़ चुके हैं आपको मालूम है कि फैक्टर और मल्टीपल्स क्या हैं तो हाइएस्ट कॉमन फैक्टर कैसे निकालते हैं ये पिछली बार आपने पढ़ा अब हम पढ़ेंगे आज कि लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल्स कैसे निकालते हैं जब किसी भी नंबर्स का हमें लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल्स निकालना हो तो हम उसे कैसे निकालेंगे लोवेस्ट मीन्स सबसे कम कॉमन मीन्स जो दोनों में हो कॉमन हो ओके मल्टीपल्स तो हमें क्या करना है जो नंबर्स का हमें एल निकालना है उसका हमें लोवेस्ट सबसे लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल्स निकालना है ओके अब एक्सरसाइज सेवन पॉइंट टू जैसे कि आपकी एक्सरसाइज में देखिए टू नंबर्स हैं इसमें क्या राइट किया गया फर्स्ट फाइंड एट मल्टीपल्स ऑफ ईच ऑफ दीज नंबर्स एंड देन फाइंड टू कॉमन मल्टीपल्स फाइनली फाइंड दी एल सी एम ओके सबसे पहले हमें क्या करना है ये देखिए टू नंबर्स हैं हमें क्या करना है फाइंड एट मल्टीपल्स पहले हमें क्या करना है इनके एट मल्टीपल्स राइट करने हैं तो आप जानते हैं मल्टीपल्स मीन्स जो इनका टेबल राइट करते हैं हम वो इनका क्या होता है मल्टीपल्स किसी भी नंबर का मल्टीप्लाई करने पे वो नंबर इस नंबर का क्या कहलाएगा मल्टीपल्स कहलाएगा तो हम पहले फर्स्ट एट मल्टीपल्स लिखना है दिस मीन्स फर्स्टली हम वन से स्टार्ट करते हैं वन का मल्टीप्लाई करते हैं तो हम इसका टेबल राइट कर लेंगे फोर वन जा फोर फोर टू जै एट ट्वेल्व सिक्सटीन ट्वेंटी ये देखिए फोर एट जा थर्टी टू ओके फर्स्ट एट मल्टीपल्स हमने राइट कर लिया फोर एट जा एट टाइम लिखा हमने फोर एट जा थर्टी टू एट मल्टीपल्स आपका ये हो गया इसी तरह से हम सिक्स का लिख लेंगे सिक्स वन जा सिक्स ट्वेल्थ सिक्स सिक्स जा थर्टी सिक्स फोर्टी टू सिक्स एट जा फोर्टी एट ये हो गया सिक्स का एट मल्टीपल्स अब हमें क्या करना है अब हमें कॉमन मल्टीपल्स राइट करना है अब हम इन दोनों में देखेंगे कौन सा कॉमन है ओके तो कॉमन मल्टीपल्स आप राइट कर लीजिए पहले देखिए इस इन दोनों में जो कॉमन होगा उसको हम सर्किल कर देंगे देखिए एट ट्वेल्व ट्वेल्व क्या है कॉमन है तो हम यहाँ पे ट्वेल्व राइट कर लेते हैं ओके okay. इसके बाद आप देखिए ट्वेंटी ट्वेंटी फोर कॉमन है ट्वेंटी फोर यहाँ राइट कर लेते हैं ये आपका कॉमन है फिर आपका ट्वेंटी एट नहीं थर्टी टू थर्टी टू भी आपका नहीं है ओके okay. तो आपके कितने कॉमन मिले इसमें टू ओके ट्वेल्व एंड ट्वेंटी फोर टू कॉमन मल्टीपल्स आपको मिल गए तो आपको फाइन टू कॉमन मल्टीपल्स टू कॉमन मल्टीपल्स निकालना था टू कॉमन मल्टीपल्स मिल गए आपको अब आप क्या निकालना है फाइनली फाइन दी एल सी एम एल सी एम निकालना है अब हमें तो एल सी एम मीन्स लोवेस्ट ये हो गया आपका कॉमन मल्टीपल्स अब हमें निकालना लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल्स तो इसमें लोवेस्ट कौन सा है ट्वेल्व तो आपका लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल्स हो गया ट्वेल्व इस तरह से हम एलसीएम निकालते हैं लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल्स ओके नेक्स्ट है आपका फाइव एंड टेन तो हम इसी तरह से फाइव के एट मल्टीपल्स राइट कर लेंगे टेन के एट मल्टीपल फिर उनका कॉमन राइट करेंगे फिर हम लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल्स राइट करेंगे ओके okay? इसी वेज पे आप ये क्वेश्चन सी और बी कर सकते हो देखिए क्वेश्चन नंबर टू फाइंड द एलसीएम ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स बाय रिकलेक्टिंग तेयर मल्टीप्लीकेशन टेबल्स इसको भी हमें कॉमन एल एलसीएम निकालना है मल्टीप्लीकेशन टेबल के बेस पे टू का नंबर जे क्वेश्चन है फाइव एंड ट्वेंटी ओके तो टू का हम जे सॉल्व करेंगे फाइव एंड ट्वेंटी को लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल्स निकालेंगे तो लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल्स सबसे पहले हम मल्टीपल्स राइट करेंगे हमें ये मल्टीप्लिकेशन टेबल के बेस में निकालना है पर निकालना है एक और मेथड आपका प्राइम फैक्टराइजेशन से निकालना होता है आपको ओके okay? तो उसको हम मैं आपको बाद में बताऊंगी सबसे पहले इसको देखिए फाइव एंड ट्वेंटी का तो हम फाइव का मल्टीपास राइट करेंगे फाइव वन जब फाइव टेन फिफ्टीन ओके ट्वेंटी फाइव थर्टी तक हमने राइट कर लिया अब हम ट्वेंटी के मल्टीपास राइट करेंगे हम तब तक मल्टीपल्स राइट करेंगे जब तक हमें कॉमन मल्टीपल्स ना मिल जाए ओके तो ट्वेंटी का हम राइट करेंगे ट्वेंटी फोर्टी सिक्सटी एट्टी ओके ये हो गया आपका ट्वेंटी फाइव थर्टी थर्टी फाइव भी आगे राइट कर सकते हो आप इसको फोर्टी अब हमें कॉमन मल्टीपल्स राइट करना है कॉमन मल्टीपल्स कॉमन मल्टीपल्स आपका देखिए ट्वेंटी 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 मिल गया नेक्स्ट क्या है आपका फोर्टी फोर्टी आगे हम मल्टीपल्स राइट करेंगे तो हमें आगे और मिलेगा लेकिन आपको निकालना क्या आपको लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल्स निकालना है तो आपको केवल लोवेस्ट नंबर से मतलब है तो लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल्स क्या हो गया आपका ट्वेंटी तो आंसर इज ट्वेंटी ओके नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका देखिए क्वेश्चन नंबर एल एल है नाइन्टी वन एंड थर्टीन थर्टीन आपका आपको, आपको मल्टीपल्स निकालना है ओके अब मल्टीपल्स ऑफ नाइन्टी वन तो नाइन्टी वन का हम मल्टीपल्स राइट करेंगे तो नाइन्टी वन का मल्टीपल्स नाइन्टी वन और सेकेंड मल्टीपल्स क्या होगा इसमें हम टू का मल्टीप्लाई करेंगे टू वन जा टू टू नाइन एटीन ओके थर्ड मल्टीपल्स क्या हो जाएगा इसमें थ्री का मल्टीप्लाई कर करी थ्री वन जा थ्री थ्री नाइन जा ट्वेंटी सेवन ओके अब हम इस पर स्टॉप हो जाते हैं फिर हम थर्टीन का मल्टीपल्स ऐड करते हैं थर्टीन फाइव जा सिक्सटी फाइव ये देखिए थर्टीन का हमने तक राइट कर लिया ओके कितने टाइम तक राइट किया ये थर्टीन का हमने टेबल राइट किया है हमें निकालना है लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल्स तो ये यह आपका यहाँ पे हो जाएगा कॉमन मल्टीपल्स आपका देखिए कॉमन मल्टीपल्स इसमें आपका क्या मिला नाइन्टी वन सेकेंड आपका कुछ नहीं है आगे हम राइट करते तो हमें कुछ ना कुछ मिल जाता लेकिन हमें लोवेस्ट निकालना है इसलिए कॉमन मल्टीपल्स आपका नाइन नाइन्टी वन और एलसीएम आपका यही हो जाएगा लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल्स नाइन्टी वन ओके जो आपका फर्स्ट कॉमन मल्टीपल्स मिलेगा वही आपका लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल्स हो जाएगा नाइन्टी वन ओके सो इट इज वेरी इजी यू कैन डू इट देखिए थर्ड है थर्ड फाइंड द एलसीएम ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स बाय प्राइम फैक्टराइजेशन इसमें जो एलसीएम आपको निकालना है वो प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से निकालना है फर्स्ट मेथड जो आपने निकाला रिकलेक्टिंग देयर मल्टीप्लिकेशन टेबल के मेथड पे डायरेक्ट मल्टीपल्स लिख करके और सेकेंड मेथड जो है ये फैक्टराइजेशन मेथड है जैसे हम एस सी एफ निकालते थे, थे प्राइम फैक्टराइजेशन वैसे ही हम एल सी एम का भी प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे ओके सो तो, ये आपका जो फर्स्ट क्वेश्चन नंबर सी हम सॉल्व करते हैं फोर्टी एट एंड फिफ्टी सिक्स सो फोर्टी एट एंड फिफ्टी सिक्स फोर्टी एंड फिफ्टी सिक्स का हमें एल्शियम निकालना है बाई प्राइम फैक्टराइजेशन ओके हम इसमें फैक्टर निकालेंगे दोनों नंबर का साथ में इस मेथड से आप दो से अधिक नंबर्स हों तो उनका साथ में आप उनका साथ में नंबर्स राइट करके उनका एल्शियम निकाल सकते हैं ये सबसे इजी मेथड है आपका ओके तो आपको इसमें चूंकि टू नंबर्स दिए हैं टू नंबर्स का एल्शियम निकालना दोनों हम साथ में राइट कर देंगे और इसका फैक्टर राइट right करेंगे ओके सो देखिए यहाँ फोर्टी एट एंड फिफ्टी सिक्स ऐसे नंबर से हम फैक्टर करेंगे जो इसमें से कोई भी एक नंबर डिवाइड कर दे तो हम यहाँ पे उसको राइट करेंगे ओके okay? और बाकी जो नंबर रहते हैं जो अदर नंबर होते हैं उनको हम वैसे लिखते चले जाते हैं चूंकि अगर चूंकि सबसे लोवेस्ट प्राइम नंबर से हम स्टार्ट करते हैं तो सबसे लोवेस्ट प्राइम नंबर आपका टू है और टू से देखिए दोनों आपका डिवाइड हो जाएगा तो टू से हम इसको स्टार्ट करेंगे टू टू या फोर टू फोर जा एट ओके टू वन जा टू 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 जा फोर ओके टू टू जा फोर टू टू जा फोर और टू एट जा सिक्सटीन ट्वेंटी एट देखिए ये दोनों फिर टू से डिवाइड होगा आपका टू वन जा टू 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 जा फोर ये तब तक हम डिवाइड करेंगे जब तक इसमें से कोई भी एक टू से डिवाइड होता रहेगा तब तक हम करेंगे ओके टू वन जा टू टू फोर जा एट फिर ये टू से डिवाइड होगा आपका टू सिक्स या ट्वेल्व टू सेवन जा फोर्टीन अब देखिए यहाँ पर यहाँ पे सिक्स आपका टू से डिवाइड हो जाएगा लेकिन सेवन आपका टू से डिवाइड नहीं होगा तो हम सिक्स को टू से डिवाइड करेंगे और सेवन को वैसे ही राइट कर देंगे नीचे ओके टू थ्री या सिक्स और सेवन को हमने ऐसे ही नीचे राइट कर दिया अब इसमें से कोई भी टू से डिवाइड नहीं होगा और थ्री से डिवाइड होगा और ये आपका सेवन से और दोनों प्राइम नंबर है आपको मालूम है तो हम इसको थ्री से फैक्टर कर देते हैं और ये हमारा सेवन हो गया ओके okay? इस तरह से हम प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं अब हम इसका लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल्स निकालने के लिए क्या करेंगे इन सबका मल्टीप्लाई कर देंगे ओके टू मल्टीप्लाई बाई टू मल्टीप्लाई बाई टू मल्टीप्लाई बाई टू देखिए फोर टाइम टू है थ्री एंड सेवन हम इन सबका मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल्स निकल आएगा दोनों नंबर्स का ओके okay? तो हम इसको मल्टीप्लाई करते हैं टू टू जा फोर टू जा एट टू जा सिक्सटीन सिक्सटीन थ्री जा फोर्टी एट और फोर्टी एट में आप सेवन का मल्टीप्लाई करिए थ्री हंड्रेड थर्टी सिक्स आपका आएगा थ्री हंड्रेड थर्टी सिक्स सो फोर्टी लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल्स ऑफ फोर्टी एंड फिफ्टी सिक्स इज थ्री हंड्रेड थर्टी सिक्स नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका देखिए लास्ट क्वेश्चन हम लेते हैं इसमें थाउजेंड भी है 420 एंड 1050। अब ये क्वेश्चन का, का हम एल हम एम निकालेंगे इसको हम राइट कर लेंगे ओके अब देखिए 420, ये कौन से प्राइम नंबर से डिवाइड होगा आपका फर्स्ट प्राइम नंबर टू टू से आपका ये दोनों नंबर डिवाइड हो जाएगा तो हम सबसे पहले टू से डिवाइड करेंगे टू टू या फोर टू वन या टू जीरो ओके okay? इसको टू से डिवाइड करेंगे टू फाइव जा टेन टू टू जा फोर टू फाइव जा टेन ओके okay? अब देखिए ये फिर टू से डिवाइड होगा लेकिन ये आपका नंबर टू से डिवाइड नहीं होगा तो ये नहीं डिवाइड होगा इसको हम क्या करेंगे इसको इसी तरह से नीचे राइट कर लेंगे और इसको हम इसका हम फैक्टर राइट करेंगे टू वन या टू ये देखिए जीरो टाइम जाएगा फिर टू फाइव जा टेन और इसको हम ऐसे ही नीचे राइट कर लेंगे अब देखिए अब ये टू प्राइम नंबर से डिवाइड नहीं होगा अब ये किस नंबर से डिवाइड होगा देखिए ये तो आपका थ्री से डिवाइड हो जाएगा थ्री थ्री जा नाइन थ्री फाइव जा फिफ्टीन ये आपका थ्री से डिवाइड होगा थ्री वन जा थ्री यस थ्री से ये भी डिवाइड हो जाएगा तो हम इसको प्राइम नंबर थ्री से डिवाइड करेंगे थ्री थ्री जा नाइन थ्री फाइव सा फिफ्टीन फिर फाइव हंड्रेड ट्वेंटी फाइव को थ्री से डिवाइड करेंगे थ्री वन जै थ्री टू थ्री सेवन जै ट्वेंटी वन थ्री फाइव जा फिफ्टीन आपको अगर कोई प्रॉब्लम हो तो आप अलग से इसको डिवाइड करके देख सकते हो जैसे हमने फाइव हंड्रेड ट्वेंटी फाइव को थ्री से डिवाइड किया तो यहाँ रफली आप कर सकते फाइव हंड्रेड ट्वेंटी फाइव को थ्री से डिवाइड करेंगे थ्री वन जा थ्री फाइव में से थ्री डिवाइड किया टू ये टू नीचे आ गया फिर थ्री सेवन जा ट्वेंटी वन फिर आपका वन बचा फिर फाइव नीचे राइट किया थ्री फाइव जा फिफ्टीन देखिए वन हंड्रेड सेवेंटी फाइव ओके अगर आपको कंफ्यूजन हो तो आप साइड में डिवाइड करके देख सकते हो चेक कर सकते हो अब देखिए ये आपका थ्री से डिवाइड होगा ये आपका थ्री से नहीं डिवाइड होगा और ये भी आपका नहीं होगा ओके क्योंकि थ्री फाइव जहाँ फिफ्टीन करेंगे तो आपका टू बचेगा नीचे और ट्वेंटी फाइव होगा नहीं तो हम इसको अब ये श्योर है कि ये थ्री से नहीं हुआ तो निश्चित ही फाइव से हुआ क्योंकि जब वंस में फाइव हो तो फाइव से डिवाइड होगा ही होगा सो so, फाइव से बन जा थर्टी फाइव फाइव थ्री जा फिफ्टीन सिक्सटीन सेवनटीन ट्वेंटी फाइव फाइव सेवन जा थर्टी अरे देखिए टू बचना आपका ट्वेंटी फाइव 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 जा ट्वेंटी फाइव ओके अब देखिए अभी भी ये फाइव से डिवाइड होगा लेकिन ये आपका नहीं होगा इसको हम ऐसे ही राइट कर देंगे सेवन फाइव फ़ाइव जा फाइव फाइव जा ट्वेंटी फाइव फाइव सिक्स जा थर्टी फाइव सेवन जा थर्टी फाइव फिर आपका ये सेवन से दोनों डिवाइड हो जाए सो so, अब इसका लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल्स हम कैसे निकालेंगे इन सब को मल्टीप्लाई कर देंगे हमारा एलसीएम हो जाएगा टू मल्टीप्लाई बाई टू मल्टीप्लाई बाई थ्री मल्टीप्लाई बाई फाइव फाइव सेवन अब इन सब का हम मल्टीप्लाई कर देंगे टू टू जा फोर फोर थ्री जा ट्वेल्व ट्वेल्व फाइव जा सिक्सटी और सिक्सटी फाइव जा सिक्सटी का फाइव में मल्टीप्लाई करेंगे तो थ्री हंड्रेड फाइव सिक्स जै थर्टी थ्री हंड्रेड ओके और थ्री हंड्रेड का सेवन मल्टीप्लाई करेंगे सेवन थ्री जा ट्वेंटी वन और ये टू जीरो हो गया ओके सो एल सी एम एच टू थाउजेंड वन हंड्रेड नेक्स्ट है आपका रिवीजन एक्सरसाइज रिवीजन एक्सरसाइज देखिए इसमें क्या करना है आपको ये जो बॉक्सेस बने हैं इसमें नंबर दिया हुआ है इसका आपको फैक्टर राइट करना है और इसी नंबर्स का आपको मल्टीपल्स राइट करना है दोनों नंबर्स का आपको फैक्टर आइड करना है और दोनों नंबर का फिर निकालना एस निकालना तो एस सी एफ जानते हो हाइएस्ट कॉमन फैक्टर ओके दोनों में जो हाइस्ट कॉमन होगा वो हाइस्ट कॉमन फैक्टर कहलाएगा और इसमें क्या निकालना है आपको एल निकालना है मल्टीपल्स निकालते हैं हम क्या करते हैं सबसे पहले लोवेस्ट कॉमन में मल्टीपल्स निकालने के लिए पहले हम मल्टीपल्स राइट करते हैं नंबर्स का तो हम ये देखिए नंबर मल्टीपल्स राइट और इसमें जो लोवेस्ट कॉमन होगा सबसे वो लोवेस्ट एल होगा आपका लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल्स ओके इसी तरह से इस नीचे आपको करना है इसमें सेवन नंबर है सेवन का आपको फैक्टर राइट करना है फिर थ्री का आपको फैक्टर राइट करना है ओके okay? उसमें उसमें उसके बाद हाईएस्ट कॉमन फैक्टर आपको निकालना है सेवन का आपको यहाँ पे मल्टीपल्स राइट करना है फिर थ्री का मल्टीपल्स राइट करना है ओके okay? फिर उसमें क्या करना है लोवेस्ट कॉमन कॉमन मल्टीपल्स होंगे उसमें लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल्स निकालना जैसे हमने आपको पीछे बताया है अब थर्टी नाइन है देखिए थर्टी नाइन का फैक्टर निकाला हमें तो वन थ्री थर्टीन थर्टी नाइन ऐसे नंबर जो थर्टी नाइन को डिवाइड कर दे, तो ऐसे कौन कौन से नंबर है वन है टू से तो डिवाइड होगा नहीं ये थ्री होगा उसके बाद एलेवन ट्वेल्व नहीं होगा थर्टीन से डिवाइड होगा फिर थर्टी नाइन से ओके ये तो ये हो गया फैक्टर अब फिफ्टी टू का फैक्टर हो गया वन टू फोर और थर्टीन ये फिफ्टी टू के फैक्टर हैं ओके okay. इसी तरह से थर्टी नाइन के हम मल्टीपल्स लिखेंगे लेंगे मल्टीपल्स कैसे लिखेंगे इसमें हम वन का मल्टीप्लाई करेंगे फिर इसमें हम टू का मल्टीप्लाई करेंगे फिर इसमें थ्री का मल्टीप्लाई करेंगे फिर इसमें फ़ोर का मल्टीप्लाई करेंगे ओके okay. इसी तरह से हम फिफ्टी टू का मल्टीपल्स राइट करेंगे और दोनों में जो लोवेस्ट कॉमन होगा उसको हम नीचे लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल्स इसका देखिए वन हंड्रेड फिफ्टी सिक्स वन हंड्रेड फिफ्टी सिक्स लोवेस्ट कॉमन दो फर्स्ट कॉमन है यही सबसे लोवेस्ट होगा लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल्स इसी तरह से एस सी एफ इसका क्या होगा हाइस्ट कॉमन फैक्टर थर्टीन और इसमें देखिए थर्टीन ओके हाइएस्ट कॉमन फैक्टर क्या हो गया थर्टीन हो गया या yeah, थर्टीन इसका ये फिफ्टी टू भी यहाँ पे राइट कर सकते हैं ओके okay? इसी तरह से फोर्टी और फिफ्टी फ़ोर्टी का भी आपको क्या निकालना है फैक्टर निकालना है फिर फिफ्टी का फैक्टर राइट करना है फोर्टी का मल्टीपल्स राइट करना है फिफ्टी का मल्टीपल्स राइट करना है इसमें हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालना है इसमें लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल्स निकालना है ओके इस तरह से आप इसको कर सकते हो फोर्टी टू का भी आपको फैक्टर राइट करना है फोर्टी टू का मल्टीपल्स राइट करना है सिक्सटी थ्री का यहाँ फैक्टर राइट करना है ऐसे नंबर जो सिक्सटी थ्री को डिवाइड कर दें तो ऐसे कौन कौन से नंबर हैं वन है थ्री है देखिए सिक्सटी थ्री आपका वन से होगा थ्री से हो जाएगा आपका फिर फोर फाइव से नहीं होगा सिक्स सेवन से आपका हो जाए सेवन नाइन जैसे सिक्सटी थ्री फिर एट से नहीं होगा नाइन से भी होगा तो ये सब क्या हो गया फैक्टर हो गए ओके okay? तो ये सब हम फैक्टर राइट कर लेंगे उसके बाद आपका एट नहीं होगा नाइन तो हुआ ही टेन नहीं होगा एलेवन भी नहीं हो सकता आपका ट्वेल्व भी नहीं है थर्टीन भी नहीं है आपका फिर फोर्टीन फिफ्टीन तो हो ही नहीं सकता सिक्सटीन भी नहीं होगा आपका सेवनटीन भी नहीं फिर आपका जो है एटीन नाइनटीन नाइनटीन भी नहीं होगा उसके बाद आपका ट्वेंटी वन होगा कि ट्वेंटी वन में थ्री का मल्टीप्लाई करोगे आप थ्री वन जा थ्री थ्री टू जा सिक्स ट्वेंटी वन आएगा आपका ओके ये आपका मल्टी जो फैक्टर होगा इसका वन थ्री सेवन नाइन उसके बाद आपका ट्वेंटी वन ट्वेंटी वन होगा फिर आपका नेक्स्ट होगा आपका सिक्सटी थ्री और फोर्टी टू का जो फैक्टर होगा आपका देखिए वन टू थ्री सिक्स सेवन फोर्टीन फोर्टीन से भी यह डिवाइड हो जाएगा आपका देखिए फोर्टीन वन जा फोटीन फोर्टीन टू जा ट्वेंटी एट फोर्टीन थी या फोर्टी टू ओके इसी तरह से ट्वेंटी वन है ट्वेंटी वन में टू का मल्टीप्लाई करेंगे फोर्टी टू आएगा फिर आया फोर्टी टू अब इसमें हाईएस्ट कॉमन फैक्टर आपका क्या हो गया देखिए ट्वेंटी वन ट्वेंटी वन आपका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर हो गया इसी तरह से हम फोर्टी टू का यहाँ पे एलसीएम राइट कर लेंगे सॉरी मल्टीपल्स राइट कर लेंगे सिक्सटी थ्री का मल्टीपल्स राइट कर लेंगे और उसमें जो सबसे लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल्स होगा दोनों में आप नीचे राइट कर लोगे ओके इस तरह से आप इस फर्स्ट क्वेश्चंस को फिल कर लेंगे अब देखिए क्वेश्चन नंबर सेकेंड इसमें आपको एस निकालना है क्वेश्चन नंबर थर्ड है उसमें आपको एल निकालना है तो हाँ एस निकालने के लिए हम क्या करते थे पहले हम प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से क्या करते थे इसका फैक्टर निकालते थे अलग अलग ओके तो हर नंबर्स का हम फैक्टर निकालेंगे जैसे हमें अगर ये सॉल्व करना है क्वेश्चन नंबर जी 198 एंड 180 तो 198 का हम फैक्टर निकालेंगे फिर हम 180 का ओके जैसे आपका है वन हंड्रेड नाइन्टी एट तो इसका हम फैक्टर निकालेंगे सबसे पहले ये टू से आपका डिवाइड हो जाएगा टू नाइन या एटीन एट टू नाइन या एटीन अब ये टू से नहीं होगा आपका थ्री से होगा थ्री थ्री जा नाइन थ्री थ्री जा नाइन फिर आपका ये आपका कि थ्री से ही होगा थ्री वन जा थ्री थ्री वन जा थ्री ये होगा आपका एलेवन से तो ये वन हंड्रेड नाइन्टी एट का फैक्टर हो गया उसके बाद आपको क्या करना है 180 का फैक्टर निकालना है तो अब हम 180 का निकालेंगे टू नाइन 80, एट्टी एटीन जीरो फिर टू से टू फोर जा एट टू फाइव जा टेन अब देखिए टू से नहीं डिवाइड होगा तो हम ये आपका थ्री से होगा थ्री प्राइम नंबर से थ्री वन जा थ्री थ्री फाइव जा फिफ्टीन फिर ये थ्री से डिवाइड होगा जब तक होगा तब तक हम उसी नंबर से तब डिवाइड करते हैं और नीचे से ऊपर की तरफ प्राइम नंबर की तरफ बढ़ते हैं ओके अब ये फाइव से डिवाइड होगा फाइव पंचा फाइव ये हो गया आपका फैक्टर अब हम इसमें क्या करना है कॉमन फैक्टर निकालना है कॉमन फैक्टर आपका हो गया टू टू ओके टू होगा आपका फिर आपका कॉमन फैक्टर हुआ थ्री 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 हुआ फिर आपका एक और थ्री आपका ओके okay? बस तो ये हो गए आपके कॉमन फैक्टर इनको हम मल्टीप्लाई कर लेंगे ओके ये हम एस निकालेंगे ये हमारा होगा हाईएस्ट कॉमन फैक्टर टू थ्री जा सिक्स सिक्स थ्री जा एट्टी ओके ये हमारा हो गया हाईएस्ट कॉमन फैक्टर पहले हम क्या करेंगे दोनों का फैक्टर निकालेंगे दोनों में से कॉमन जो कॉमन फैक्टर होंगे उनको राइट कर लेंगे उनका मल्टीप्लाई करके उसको वो वो हमारा हो जाएगा क्या हाईएस्ट कॉमन फैक्टर इसी तरह से नेक्स्ट है आपका एलसीएम एलसीएम हमने बताया आपको कैसे निकालना है दोनों को साथ में निकाल के आप प्राइम फैक्टराइजेशन करोगे बाई तो से जो उसके बाद आप उसका मल्टीपल्स राइट कर दोगे ओके सो so, आपका एल निकल आएगा जैसे टू एंड फोर का आपको एल निकालना है तो टू और फोर का जब आप फैक्टर निकालोगे बाय प्राइम फैक्टराइजेशन से तो देखिए टू और फोर को टू से डिवाइड करेंगे टू वन जा टू 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 जा फोर टू टू जा फोर फोर आएगा आपका एलसीएम क्या आएगा फ़ोर आएगा इसका लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल्स आपका हो जाएगा फोर ओके चाहे आप इसको मल्टीप्लीकेशन टेबल डायरेक्ट मल्टीपल्स लिख के करिए या फिर आप बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से करिए ओके आपका इफ़ ऑफ़ ऑफ़ ए फैक्टर तो देखिए मल्टीपल्स है 19 का है, ओके मींस नाइनटीन में जिस नंबर किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे हम किसी ऐसे नंबर से तो टू हंड्रेड ट्वेंटी तो इज़ नाइनटीन इज ए फैक्टर ऑफ टू हंड्रेड ट्वेंटी एट क्या नाइनटीन टू हंड्रेड ट्वेंटी एट का फैक्टर है तो फैक्टर हम किसे कहते हैं वन नंबर जो जिसका हमें फैक्टर निकालना है उसको डिवाइड कर दे तो नाइनटीन टू हंड्रेड ट्वेंटी एट को डिवाइड कर देगा क्यों ओके नाइनटीन क्या करेगा टू हंड्रेड ट्वेंटी एट को डिवाइड कर देगा क्योंकि नाइनटीन के टेबल में कही कहीं ना कहीं टू हंड्रेड ट्वेंटी एट आएगा तो दिस मीन्स क्योंकि 228 क्या है नाइन्टीन का मल्टीपल्स है तो इसमें 19 अगर हम टेबल रीड करेंगे तो कहीं ना कहीं ट्वेंटी टू हंड्रेड ट्वेंटी एट आएगा आपका सो so, 19 क्या करेगा टू हंड्रेड ट्वेंटी एट को डिवाइड कर देगा इसलिए 19 टू हंड्रेड ट्वेंटी एट का फैक्टर है अब इसको आप चेक भी कर सकते हो 19 वन जा 19 ओके okay, फिर ट्वेंटी ट्वेंटी वन ट्वेंटी टू थ्री बचा आपका थर्टी एट फिर 19 टू जा थर्टी एट देखिए आपका डिवाइड हो गया सो नाइनटीन ईज फैक्टर ऑफ टू हंड्रेड ट्वेंटी एट इसी तरह से इफ़ ट्वेंटी नाइन इज ए फैक्टर ऑफ टू हंड्रेड सिक्सटी वन ट्वेंटी नाइन क्या है टू हंड्रेड सिक्सटी वन का फैक्टर है मीन्स टू हंड्रेड सिक्सटी वन को ट्वेंटी नाइन क्या कर देगा डिवाइड कर देगा ट्वेंटी नाइन इज ट्वेंटी नाइन ए मल्टीपल्स ऑफ टू हंड्रेड सिक्सटी वन क्या ट्वेंटी नाइन मल्टीपल है टू हंड्रेड सिक्सटी वन का तो आप ये ख़ुद सोचिए कि ट्वेंटी नाइन जो है टू हंड्रेड सिक्सटी वन का मल्टीपल्स हो सकता है टू हंड्रेड सिक्सटी वन का मल्टीपल्स मीन्स टू हंड्रेड सिक्सटी वन में हम किसी नंबर से मल्टीप्लाई करें तो ट्वेंटी नाइन आना चाहिए तो आप टू हंड्रेड सिक्सटी वन में किसी भी नंबर से आप मल्टीप्लाई करोगे तो वो ट्वेंटी वन नाइन नहीं आएगा क्योंकि टू हंड्रेड सिक्सटी वन इज़ ग्रेटर दैन ट्वेंटी नाइन टू हंड्रेड सिक्सटी वन से किसी भी नंबर से आप मल्टीप्लाई करेंगे तो वो हमेशा बड़ा आएगा ना कि इससे छोटा सो ट्वेंटी नाइन क्या हो सकता है इसका कभी भी मल्टीपल्स नहीं हो सकता है सो so, इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका नो no. और ये होगा आपका यस yes.